अब कुछ दिन पहले एजुकेशन टीवी मेड ए वीडियो ऑन हर वीडियो. एजुकेशन टीवी ने बनाया दैट यू नो व्हाट, शी इज नॉट एन एमबीबीएस स्टूडेंट बट शी इज जस्ट टेलिंग यू अबाउट नीट एंड ऑल. यार जस्ट 5 साल पहले जिसने पढ़ा था कुछ भी, वो आपको बताया था ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो, इस वेबसाइट से पढ़ो उस वेबसाइट से पढ़ो, जो पैसा दे रहा. अब मैंने जैसे बोला ना ये वाला मैं पैसा दूंगा, जब एजुकेशन टीवी ने फिर से वो वीडियो अपलोड किया तब उन्होंने बस बताया कि मैं नर्सिंग से हूँ. अगर ये एजुकेशन टीवी भाई फिर से नहीं बनाता तो पता भी नहीं चलता कि वो ट्रांस है बस, तो कॉपीराइट साइट को वापस ले लेना चाहिए इस हिसाब से. इफ यू हैवन फोर्स एजुकेशन टीवी वीडियो द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, आई एम गिविंग यू दैट फोन एंड जस्ट प्लीज सी दैट वीडियो एज वेल. तो फिर मैंने भी इनके अबाउट सेक्शन में लिया और मैंने सोचा इनका मेल आईडी है तो मैं भी बस लिखता हूँ कुछ ऐसे वैसे और बस किसी भी एयर कंपनी का नाम, फिर देखते हैं ये प्रमोशन सच में जान बूझ से प्रमोशन ऐसे ही कर लेते हैं या फिर मतलब सब कुछ पता होता है उसके बाद. तो फिर आप देख सकते हो मैंने नवंबर 21 को मैंने इन्हें मेल दैट मैं नीट शाला से हूँ, पर मैंने बस लिखा मैं नीट शाला से हूँ, मैं आपको प्रमोशन कैन यू जस्ट प्रमोट माई कंटेंट इन योर यूट्यूब चैनल. तो फिर देखो भाई देखो रिप्लाई उनका, यस आई विल डू दैट, दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर. मतलब कोई भी मतलब मैं कुछ भी लिख दूं नीट शाला तो फिर वो बस ठीक है आई विल डू दैट. मतलब ऐसे होता है प्रमोशन. और आप सब लोग क्या सोचते हो नहीं दीदी ने बताया, मतलब दीदी ने दीदी तो सब कुछ पता होगा, हमारे ये दीदी वो दीदी सब कुछ पता है, वो लोग ऐसे ही प्रमोशन रहते हैं, वो मिताली दीदी ये दीदी वो दीदी, मतलब वो ऐसे ही प्रमोशन होता है भाई, जो भी मतलब लिख दे बंदा यू नो वो इतना पैसा ढूंढ रहा है.